ऐसे आइस स्केटिंग करते थे नॉर्मल दिखता था यार, आसान तो है, क्या है ये मुश्किल है भाई। मन कर रहे हैं ऐसे बैठ जाऊं, पता है टांगों में दर्द हो गया यार। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह की शुरुआत हो रही है, ब्रश वगैरह के साथ ब्रश करते जल्दी से। और बाकी अभी एक दो बंदे अपने उठे नहीं है, जो कि है कबीर और नोने भाई, और बाकी ये बंदे अपने उठ गए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आज के क्या सीन्स और आज के क्या प्लान्स है? आज बैक टू कल्पा। अच्छा, डायरेक्ट कोलिक जाएंगे, फ्रोजन लेक। ठीक है, और फिर बैक टू कल्पा, और उससे पहले शायद से हो सकता है कि आइस स्केटिंग करने भी हम लोग जाए। अभी एक भाई से बात हो रही है, तो ज़्यादा देर तो टाइम तो नहीं होगा हमारे पास, 15-20 मिनट के लिए चले जाएंगे। उससे पहले ब्रश गया करते हैं, रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट गया करते हैं, फिर निकलते हैं। और ठंड उतनी नहीं है इस बार यहाँ पे जितनी हर बार होती थी। और पता है क्या, चप्पल कैप्चर मार दी मैंने भाई, यहाँ चप्पल से लड़ना पड़ता है, पता है बच्चे देखो जूते लगा के आ गए। हाँ जी, इनकी चप्पल चोरी करके आ गया भाई, चप्पल नहीं छोड़ते, ब्रश करते हैं जल्दी से। यार एक बार ना ये चेक करो अंदर, आइस देखो इसके अंदर दिख रही है, बहुत सारा सामान है और बाइक लोड है। पहले क्या था, जिप्सी में भी सामान आ गया था, बट इस बार हम बाइक लोड कर रहे, बाइक नहीं चला के ले जाने वाले, तो बस सामान एडजस्ट कर रहे सारा। नोनू भाई रेडी हो रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा सुस्त है नोनू भाई, सबसे लास्ट में उठते और सबसे लास्ट में रेडी होके आते। हम लोग सबसे पहले रेडी रूडी होके बैठे हुए यहाँ पे, वो सबसे लास्ट में चले हुए हैं। वैभव भाई और तनिष भाई जाने वाले क्लाइंट्स के वहाँ पे, और मैं शायद से यहाँ से निकलूंगा अभी आइस स्केटिंग के लिए 10-15 मिनट के लिए। आप लोगों को दिखाते हैं और मैं भी देख के आता हूँ कैसे क्या होता है यहाँ पे। भाई लोग फोन करे काफी देर से, लेकिन 10 मिनट वहाँ जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे ऐसे कल्पा, और बीच में हम नाकों में रुकने वाले आज। बाकी काम करते हैं, सामान वगैरह डाल देते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपको। चलिए जी, सारा का सारा सामान हमारा आ गया, और इसके बाद बाकी लोग तो निकल गए वहाँ पे क्लाइंट्स के होटल में, हम लोग जा रहे हैं आइस स्केटिंग करने के लिए। देखते हैं भाई, मैं स्कीइंग की है, नॉर्मल स्केटिंग मैंने की हुई, आइस स्केटिंग आज तक नहीं की है, देखते कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, घुटने तोड़वाने जा रहे हैं। चले यस, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लेट उठते हो, सबसे लेट रेडी होते क्यों? और फिर खाने के टाइम पे भाई लोगों को तंग करते हैं वहाँ खाने के टाइम पे यार। और ये पता क्या करते हैं, खाना भाई मतलब इतनी मेहनत से इतना खाना लेके आ रहे, ठीक है सब खा लेंगे, एंड में वो पूछते हैं कुछ और चाहिए, कहते नहीं बार में अच्छा दो ये ले आना, दो वो ले आना, ऐसे सोचना होता है यार, क्या यार। चलो डार्लिंग चलाओ। आइस स्केटिंग के लिए हम लोग निकल गए पेट्रोल पंप के साथ में, पिछले कल जो मैंने आपको जगह दिखाई थी फोटो के लिए, बस वहीं से नीचे को जाना। और भाई लोग भी आ गए, वो आ गए ऑल्टो में चले गए, तो इनके साथ साथ निकलेंगे हम। वाह वाह, क्या ड्राइविंग कर रहा है, देखा आपने, तो आर्मी होती है भाई, ड्राइविंग ढंग से कर ले बोलना यार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम तो सुबह 7 बजे उठने वाले थे। अच्छा यहाँ पे है, इसने यहाँ पे करना है यार, लेकिन बीच में तो पानी हो गया है। अभी केयर नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं केयर क्यों नहीं कर रहे हैं? कब चला है? अच्छा ऐसे केयर करते हैं इसकी, रात को पानी देना पड़ता है 2 शिफ्ट। अच्छा क्या क्या होता है इसमें प्रोसीजर? पहले तो पानी जमाना मुश्किल हो जाता है, अच्छा। वेदर के हिसाब से, अगर वेदर अच्छा है देर साहब तो फिर हो जाता है एक रात में। अच्छा आजकल धूप बहुत है ना। हाँ चलो एक बार अंदर चलते, फिर आपको सारी चीजें दिखाते हैं, सारी डिटेल्स बताते हैं। हम पानी वहाँ से खरीद के लाते हैं, यहाँ टैंकी है, यहाँ स्टोर करते हैं। पानी खरीदना पड़ता है? मेरे को बोला करो, मनाली से भेज दूंगा, कितना चाहिए ऐसे भेज दूंगा पानी यार, पानी पानी हमारे पास यार। मजाक था ऐसा, सीरियस मत लेना। तो अभी सबसे पहले शूज दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से शूज होते हैं, इसमें स्केट्स नीचे लगे होते हैं, जैसे नॉर्मल स्केट्स होते हैं ना वही है, बट ये आइस स्केटिंग के लिए होते हैं, और जो स्की वगैरह करते हैं उनके लिए काफी इजी है, जो स्केटिंग करते हैं उनके लिए काफी इजी है ये, तो मैं तो फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। साथ में कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ना टेनिस ग्राउंड था, तो ये करते हैं टेनिस ग्राउंड को जमा देते हैं, साइड से आप देख सकते हो उन्होंने पूरी ये लगाई हुई है, ठीक है बाउंड्री, और इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, अभी तो केयर नहीं की हुई है, क्योंकि जितनी भी ब्रेकिंग करते हैं स्प्लैश उठता है ना, ये साफ करना पड़ता है झाड़ू मार के, तो वो चीज़ अभी केयर की नहीं इसकी उतनी, तो बस यहाँ पे ट्राई करते हैं और एंड में आपको साइड डिटेल्स देते हैं। और सबसे पहले एक बार ट्राई करते हैं, शूज लगाता हूँ मैं यार, एक दो सेकंड तो बैलेंस करने में लगेंगे, ये नॉर्मल स्केटिंग से अलग है यार। टाइम लगेगा यार, ये भी फन है।
काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब थोड़ा ना स्लोप की वजह से भी है क्योंकि अभी 3 महीने की है, टर्न वगैरह इजीली हो रहे हैं, ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एडवांस ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक तो इजी है देखो, तो ट्राई मारता हूं। ओह भाई ये चीज भी जरूरी थी, मजा आ गया। बस ब्रेक, ओ भाई बढ़िया कर रहा है रे, ये ना ऐसे ऐसे घुमानी है टांगे, देखो टर्न्स वगैरह आगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा यार। भाई लोगों का ना ये क्लब है यहाँ पे साकिया स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब काजा, यार अगर किसी का मन है ना स्केटिंग सीखने का, फन है यार, मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है, एकदम तो नहीं सीखोगे, 5-6 दिन हफ्ता तो लगेगा कम से कम, बिगनिंग से होगा, तो भाई लोगों के पास आप लोग आ सकते हो यहाँ पे साकिया स्पोर्ट्स कल्चर क्लब काजा, मजा आ रहा है। हाँ मजा काफी ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक चीज है अपने आपको स्ट्रॉन्ग करके लाना, क्योंकि अगर गिर गया ना, ये 2 साल से कर रहा है, कितने 2 साल से कर रहा है, 3 साल से, वो 3 साल से कर रहा है भाई प्रोफेशनल, और एक वो देखो हमारा 5 मिनट से कर रहा है यार, लेकिन नहीं यार नोनी भाई आप भी बढ़िया कर रहे हो, कोशिश बैलेंसिंग तो है, नाइस मेन बैलेंसिंग तो है, लेकिन यार स्कीइंग आसान है, नॉर्मल स्केटिंग आसान है, ये मुश्किल है क्योंकि ब्लेड के ऊपर चलना पड़ रहा है सारा, यार थोड़ा मुश्किल तो है, दिखता आसान है, ऐसे आइस स्केटिंग करते थे नॉर्मल दिखता था यार, आसान तो है क्या है, नहीं मुश्किल है भाई, मन कर रहे हैं ऐसे बैठ जाऊं, पता है टांगों में दर्द हो गया है, क्योंकि नीचे देखो ना ब्लेड्स लगी हुई है, यहाँ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और ऊपर से मैंने 3-4 साल से तो स्की 4-5 साल हो गए स्की नहीं की है, मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मैं 2 साल से स्नोबोर्डिंग नहीं किया, 4-5 साल स्की नहीं की है, आइस स्केटिंग तो मैं छोटे में, आइस स्केटिंग क्या नॉर्मल स्केटिंग छोटे में की थी क्लब हाउस में जाके, लेकिन मुश्किल तो है, मुश्किल के साथ फन भी है, अगर आप लोग आते हो ना ट्राई जरूर करना है, मजा आ रहा है, यहाँ देख लो ना बिगनर्स को, नोन भाई सच बताना मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत मजा आ रहा है ना, भाई अगली बार आके करेंगे, आप लोग भी आते तो जरूर ट्राई करना फन, बाकी काम करते हैं जल्दी से चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अपने बंदे भी रेडी हो गए होंगे, वॉकी में कॉल दे रहे होंगे, वॉकी गाड़ी में, ये बढ़िया भाई तेज यार यहाँ से लड़के, यार गाइस बिहाइंड द सीन एक कैमरा मैन देखो कैसे भागता है, ये देखो बढ़िया से शॉट के लिए रील के लिए कैसे भागना पड़ता है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना टाइम निकाला इतना कुछ किया। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो आता है ये एक कर सकता है, चार्जेस क्या होते हैं इसके, चार्जेस पर हेड 1 आवर का 500 रुपीज, 500 रुपीज, अगर किसी ने 10-15 मिनट करना तो 10 मिनट का 100, तो आप लोग सिखाते हो, तो मतलब बिगनर्स के लिए ये है, और साथ में ये आपको ना अभी ग्राउंड ऐसा दिख रहा है ये क्लीन करते हैं, अभी क्लीन नहीं किया आज ना, आज क्लीन नहीं किया, स्पीति कब चलाना नीचे तो सारे बंदे वही बिजी है, अदरवाइज क्लीन होता है, मतलब जितना क्लीन होगा उतना ज्यादा इजी सीखने में होगा, ब्रेकिंग अच्छी कर सकते हैं, सब चीज बैलेंसिंग वगैरह ये सब कुछ सिखा देंगे आपको, तो एक बार अगर आप स्पीति आते हो ना भाई लोगों के पास आ सकते हो, हमको तो मजा आया, अगली बार आएंगे ना अगली बार ये साफ मिलेगा उस टाइम फिर से करेंगे, ठीक है चलो 1 2 3। यहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि हमने गाड़ी में वेट वाइप्स रखे हुए थे, और उसके हाल दिखाए, दोनों भाई दिखाओ, ऐसे नहीं पता चलेगा, ओ भाई ये तो बहुत हार्ड हो गए, ये तो खोल के दिखाओ, के सिर पे मारो तो खोल के निकलेगा ही नहीं, क्या दिखाना है, पत्थर है पत्थर है पत्थर बना हुआ है पूरा भाई, वेट वाइप्स में पूरे पत्थर बने हुए, नहीं चलेगा, मतलब टेम्परेचर इतना ड्रॉप होता है, सोचो वेट वाइप्स तक पत्थर बन चुके हैं, और मेरे अभी जो सर में मारा इतनी जोर से लगी, ये टेस्टिंग पता कैसे करें निकाल के, वैसे मैं क्या करूं कोई पत्थर क्यों मारे, बाद में देखा तो वेट वाइप्स है, मेरे को लगा कुछ हार्ड चीज है। तो ये रहा लिंगती वाटरफॉल, काजा से थोड़ा सा आगे आते ही ये वाटरफॉल आता है ब्रिज के बिल्कुल साथ में, तो सुंदर काफी ज्यादा है, आगे जा रहे थोड़ी सी वीडियो का शूट करते हैं, लेकिन एक चीज यार मतलब सुंदर काफी ज्यादा है। Thank you.
अपने बंदे निकल चुके हैं काफी आगे, अभी तक रेडियो में भी मतलब सिग्नल है न्यूज में, रेंज में नहीं रेडियो की, क्योंकि हम लोगों ने शायद से वहाँ पे आधा घंटा तो वेट किया था, आधा घंटा तो लगा, हाँ आधा घंटा हम आराम से अपना शूट वगैरह कर रहे थे, इसलिए हमने उनको सुबह ही बोला हम एडवांस में चलेंगे अपना शूट शॉट करेंगे, अभी भी शायद से वो लोग नाको में रुकेंगे, और रुकना ही है नाको, लेक उन्होंने जाना है और साथ में लंच भी हमारा वहीं पे है, तो वहां तक तो हम उनको पकड़ ही लेंगे। और व्यूज कुछ भी बोलो यार, यहाँ के व्यूज ना अल्टीमेट है। सुमदो में रुक गए अभी हम लोग, यहाँ पे ना बीआर वालों की कैंटीन है, यहाँ पे जलेबी पकौड़े बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो अभी हम लोग बाकी लोग तो निकल गए आगे, कबीर वगैरह आगे निकले थे, तनिष भाई वगैरह, उन लोगों ने एंट्री करा दी है, हम लोग रुक गए यहाँ पे जलेबी वगैरह लेने के लिए, काफी देर से बात कर रहे थे कुछ लेना है, कुछ लेना है खाने के लिए, टॉप से हमको मिली नहीं, ये इनका कैफेटेरिया है, देखो लिखा भी कैफेटेरिया, आप लोग भी अगर इस साइड को आते हो ना सुमदो जैसी चेक पोस्ट आती है, ये यहाँ पे ब्रिज है चेक पोस्ट है, इसके साथ में आगे यहाँ पे इनका कैफेटेरिया है, एक बार आपको यहाँ से ऐसे क्लियरली दिखाता हूँ, ये देखो ये कैफेटेरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जलेबी वगैरह मिलती है, अच्छी अच्छी जलेबी एंड समोसा। हाँ जी क्या ले आया आप, ये समोसा एंड जलेबी, ये है जलेबी, सॉरी समोसा बोल रहा हूँ, ये है जलेबी एंड ये है समोसा, भाई दो मिनट में गायब कर देंगे हमें, पता है इतनी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है यार, थार में ना हवा काफी कम हो गई थी तो इंसुलेटर से डाल रही थी, जिप्सी ऐसी लगाई हुई है यहाँ पे, यार ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना इसको बोलते हैं मून लैंड, दिख रहा है यहाँ पे खाना रेडी है, चलो फिर देखो हम लोग यहाँ पहुँच गए नाकू के पास और खाना भी रेडी है, ख्वाब ब्रिज के पास हम लोग पहुंचने वाले, और ये जो रोड है ना ख्वाब ब्रिज तक नाको से लेके, ये बहुत सुंदर है, यहाँ की जो ड्राइव है ये बहुत सुंदर है भाई, बाकी बंदों को छोड़ के हम लोग तो पहुंच चुके हैं ख्वाब के ब्रिज, और भाई लोग भी हमारे साथ साथ आ गए। अच्छा एक बात बताओ, आप सुबह सुबह कहाँ भागे, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ आज सुबह, मैं बंदे 100 रुपए वाले का है, मैंने कहा यार यार हम आज जल्दी जाना था, अच्छा तो आपका आज रामपुर डायरेक्ट निकलोगे, जल्दी जा रही है, हमसे पीछे रह के फायदा क्या हुआ, वही तो यही घर बना लूँ आपके लिए, भाई तो बना भी देंगे है ना, दो तीन घर बनवा के दे देंगे, बाकी अभी चाय ऑर्डर किए हुए नीचे, चाय पीते और रील बढ़िया बढ़िया। हाँ जी ये टीम मेरी अच्छी नहीं है यार, क्या बताई नहीं रहे कुछ, कैसी रील बनानी है यार, करते थोड़ी कुछ करते, अच्छा सुस्त हो गए भाई, खाना खाने के बाद सुस्ती पड़ गई है क्या, जान प्यारी की नहीं है, आपने नाली जाने की नहीं, जाने की जाने की नहीं, एंटर होना की नहीं होने, रील दोगे बना के कि नहीं, क्या बातें कर रहे हो भाई यार, क्या यार व्यूअर्स को पता नहीं इससे पहले कितना कुछ बन चुका है भाई, पहुंचा देंगे ना, अरे गारंटी पहुंचा देंगे, ठीक है पंडित जी, ठीक है चलो पीछे मेरे बड़े खास हैं, हमारे पास डिक्की में ना एक बैग खाली है उसमें डाल दो, ठीक है पंडित जी प्लीज आराम से, बड़े खाली आप टेंशन मत लो, ठीक है ना, कल रामपुर में मिलेंगे, ओके गैरिक रील के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ओ भाई क्या शॉट लिया है, ऐसे नहीं दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे जाकर भाई सुबह से लेके व्लॉग में नहीं दिखाई, एक और इस सुबह से व्लॉग में दिखाई, ओहो बजा जोर से बजा ये भाई, तू सुबह से कहाँ गया भाई, बिजी भाई, नहीं क्या कर रहा था तू ऐसा, क्रू भाई, अच्छा और काम जरूरी, हम क्या कर रहे हैं आप लोग, फन अच्छा, हम काम नहीं कर रहे, हम भी काम ही कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो प्रूफ है, हम मेहनत नहीं कर रहे भाई, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम तब से लेके यार, दो बार तो मैं भाग गया, एक और पप्पी प्लीज, वो बाहर निकला हुआ दो ना यार, वो बाहर निकला हुआ, अराउंड 7:46 हो गए, हम लोग पहुंच चुके हैं काल्पा, और आज हमारा स्टे डिफरेंट है, पिछले बार हमने काल्पा मेंशन में स्टे किया था, आज हमारा स्टे डिफरेंट है, उस दिन पानी भी नहीं आता था काल्पा इन में, अच्छा आज हमारा काल्पा इन में स्टे है, तो बस यही है, बाकी पार्किंग में गाड़ी पार्क होगी, सामान निकालना है, रूम जाना है, और आज हमने एक चीज़ और करनी है, ठीक है वो हम आज नहीं बताएंगे, कल के ब्लॉग में बताएंगे आपको, तो शुक्र है पानी वगैरह सब कुछ आ रहा है हमारे होटल में, हम जो ऊपर रुके थे काल्पा मेंशन में वहाँ तो था नहीं पानी, मतलब ये भी नहीं कही काल्पा इन है, ये भी उन्हीं का है, तो हम लोग डिनर के लिए सोचो काल्पा इन से काल्पा मेंशन जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है 1 किलोमीटर है सिर्फ, तो अभी फ्रेश वगैरह तो ऐसे मुहत गया धोए मैंने, क्योंकि पानी गीजर ऑन रखा हुआ है, आके नहाएंगे और पहले वहाँ चलते हैं डिनर करते हैं, और डाटा वगैरह तो ट्रांसफर पे लगा दिया है, डिनर करके निकल रहे हैं हम वापस, 1 किलोमीटर नहीं यार मैं बोल रहा था उस टाइम जो काल्पा इन है वो मेंशन से 1 किलोमीटर दूर है, कम से कम 2-3 तो है ना,
दो तीन किलोमीटर दूर है आराम से यार। खाना खा के निकल रहे हैं हम लोग अभी वापस। बाकी काम करते हैं, व्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, होटल जाके क्या ही व्लॉग एंड करना है, व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और सबसे पहले क्योंकि अभी रूम में जाके मैं करने वाला हूँ व्लॉग एडिट, उसके बाद गीजर ऑन रखा हुआ टाइम ले रहे तो गर्म होने में, फिर नहाऊंगा आराम से और उसके बाद सुबह मिलते हैं आपको। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, फन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, एडवेंचर बनाने की कोशिश करते हैं। और आज तो ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने ना, आज सच में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं यार, भाग ही रहते हम, बट कल ट्राई करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ करने का। बाकी काम करते हैं, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपको मिलते हैं कल सुबह। Minimum stress, that's the best, classic dress. Minimum gangster, minimum.